एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो मैंने अभी सुबह सुबह एक वीडियो देखा, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर मुझे पूरा पॉइंट रखना चाहिए, डी एंड वाला। तो मैं ये कहूँगी कि इन्होंने उस वीडियो में बोला कि मुझे मेरा बच्चा ठीक करना है, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, और ये सब करने के लिए एक मेंटल पीस सही होना चाहिए सब कुछ ठीक करने के लिए। तो मैं ये कहूँगी यहाँ पर कि बच्चा आज बीमार नहीं हुआ, बच्चा ऑलरेडी काफ़ी टाइम से बीमार है, और इतना भी बीमार हुआ है कि वो हॉस्पिटलाइज तक हुआ है, और तुमने वहाँ पर क्या क्या किया है हमने सब कुछ देखा है। तो बच्चे की आड़ में तुम अपने कर्मों को, अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश मत करो। पहली बात तो यही है, जिस समय तुम लोगों का पीस ऑफ माइंड ख़राब कर रही थी या आज भी कर रही हो, तब तुम्हें नज़र नहीं आया कि तुम्हारा बच्चा छोटा है और तुम्हारा खुद का भी पीस ऑफ माइंड ख़राब हो सकता है। आज तुम्हें फील हो रहा है कि भाई मुझे मेरे बच्चे को ठीक करना है, मुझे ठीक करना है। यही लोग जिनके आगे तुम रिक्वेस्ट कर रही हो ना, जिस ऑडियंस के आगे, वही ऑडियंस तुम्हें इतना समझा चुकी, इनफैक्ट मैं खुद समझा चुकी कि तुम ये हरकतें मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आती तुम्हारी हरकतें, नहीं पसंद आ रही, तुम ये हरकतें बंद कर दो प्लीज़, नॉर्मल ब्लॉगिंग लाओ, नॉर्मल लाओ। लेकिन तुम इतनी ढीठ थी कि तुम्हें लग रहा था कि मुझे प्लॉट लेना है और 80,000 1,00,000 रुपए की इनकम हर महीने उठानी है, बेशक उसमें मुझे जुबीन को नंगा करना पड़े, बेशक उसमें मुझे डॉक्टर की बैंड बजानी पड़े, बेशक मुझे उसमें किसी भी राह चलते आदमी को अपना पति बनाना पड़े, बेशक उसमें सब्सक्राइबर सर को गंदा करना पड़े, बेशक उसमें दूसरों के पतियों पर डोरे डालने पड़े, जो यूट्यूबर्स औरतें हैं उनके पतियों को डोरे डाल के और उनके घर बर्बाद करने पड़े, है ना। तो तुमने ये सारे हथकंडे अपनाए हैं, सारे, टोटली सारे, तो उसके बाद तुम्हें कैसे लगता है कि तुम्हें कोई पीस ऑफ माइंड के लिए तुम्हें देगा कोई स्पेस? कोई नहीं देगा। ये रिक्वेस्ट तुम्हारी रिजेक्ट की जाती है, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या आप लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं इनकी ये रिक्वेस्ट? इन्होंने बच्चे की कितनी बुरी हालत कर रखी है वो हमने अच्छे से देखा हुआ है, और जहाँ तक मैं बोल रही हूँ वहाँ तक तुम जितने दिन अच्छे से बच्चे के साथ एंजॉय कर सकती हो कर लो, अपने कर्मों को सुधार लो, अदरवाइज़ तुम बच्चे से भी हाथ धो बैठोगी, वो वाला हाल हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इतने गंदगी कोई नहीं देखेगा, ठीक है। वो बच्चे के बाकी कोई नहीं है, उसके दादा के परिवार को तुमने डरा के रखा हुआ है, तुमने उनको धमकाया हुआ है, तुमने उन पर एक केस ऑलरेडी लगाया हुआ है, वो नहीं चाहते कि उनकी बुढ़ापे में इस टाइम पे उनको कोर्ट के चक्कर लगे, और वो इसीलिए बेचारे चुपचाप अपने अंश को इस तरीके से घुट घुट के जीते हुए देख रहे हैं, ठीक है। वो बहुत शांति से बेचारे बैठे हैं, दोनों बुज़ुर्ग लोग, उनके ऊपर क्या बीत रही है ये सब दुनिया समझ सकती है, इसमें कोई किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब समझ सकते हैं कि किसी के घर का अंश जो होता है उसकी इस सिचुएशन, जो ये सिचुएशन हो रखी है वो क्यों हो रखी है और कैसे की गई है, ठीक है। अब तुम ये बोलोगे कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, नो डाउट कि तुम उसके लिए खाने पीने का जो फल फ्रूट है उसमें कमी नहीं करती हो, महंगे से महंगा फ्रूट भी लाती हो, अपने औकात से बाहर भी जाकर चीज़ें लेती हो, फ्रूट से रिलेटेड कह रही हो, लेकिन सिर्फ क्या फ्रूट से ज़िंदगी चला लेता है इंसान? बिल्कुल भी नहीं चलती, बिल्कुल भी नहीं। मैंने 50 बार से भी ज़्यादा 500 बार ही मैंने तुम्हें ये चीज़ समझाई है अपने हर एक वीडियो में कि उस बच्चे के लिए खाना प्रॉपर चाहिए, उसे रोटी भी चाहिए, उसे सब्जी भी चाहिए, उसे तरह तरह की सब्जियां भी चाहिए, उसे दालें भी चाहिए, उसे चावल भी चाहिए, उसे रायता, सलाद, हर एक चीज़ चाहिए। पर तुम उसे क्या देती हो? खाली दही और चावल, दही और चावल। तुम इमेजिन कर रही हो कि कौन खाता है दही और चावल, और रोज़ रोज़ हर दिन एक ही आइटम, और तुम्हारी दाल चावल हमने देखी है कि क्या होता है, नमक वाले चावल जो तुम बोलती हो, घी डाल के नमक डाल के बनाए हैं मैंने, वो चावल भी हमने शक्ल से देखे हैं, लेने तुम्हें लॉन्ग ग्रेन है, और बनाती हो तुम इतने चिपकू चावल की क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें, है ना। उसके बाद
इसने बोला कि मेरा बच्चा रोटी नहीं खाता। मैं ये कहूँगी कि जब तुम खिलाओगी नहीं तो बच्चा कैसे खाएगा, कैसे खाएगा? जब जिस माँ को अपने बच्चे को ना जड़ उसकी मजबूत करनी होती, कल के वीडियो में तुमने बोला था कि तुम्हें अपने बच्चे की जड़ें मजबूत करनी है इसलिए तुम उसे फ्रूट्स खिलाती हो, तो मैं ये कहूँगी फ्रूट्स जड़ें मजबूत हो जाती हैं, हड्डियों में उसके जान नहीं है और तुम उसे जड़ें मजबूत दिखा रही हो, कोशिश कर रही हो दिखाने की कि हाँ मैंने जड़ें मजबूत की हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। रियलिटी ये है कि वो अंदर से पूरा का पूरा कमज़ोर है, उसकी हालत पूरी की पूरी ख़राब की हुई है तुमने, उसे खाना नहीं मिलता, उसे केयर नहीं मिलती, उसे एक माँ का प्यार नहीं मिलता, क्योंकि माँ हर समय कैमरे में घुसी पड़ी रहती है। माँ को इतनी शर्म नहीं आती है कि 3 वीडियो में या 2 वीडियो में ऑलरेडी उसके घर का खर्चा, उसकी सेविंग के पैसे निकल जाते हैं, तब भी उस औरत को इतना लालच पड़ा हुआ है कि उसे दिन के 4, कभी 5, कभी 6, कभी 8 वीडियोस डालने हैं, इसलिए क्योंकि उसको सिर्फ प्लॉट लेने की भूख पड़ी हुई है और उसे अपना बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, उसका बचपन बर्बाद हो रहा है, वो नहीं दिख रहा। ये टाइम चला जाएगा तो वापस नहीं आने वाला, लेकिन आज तुम जो बच्चे को आगे कर देती हो ना, हमेशा कोई भी चीज़ होती है कहीं पर भी फंस जाती हो तो तुम सिंगल मदर वाला जो कार्ड खेलती हो वो कार्ड मत खेलो, ठीक है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हर जगह तुम अपने बच्चे को आगे खड़ा कर देती हो और बच्चे की वजह से लोग चुप हो जाते हैं, लोगों को दया आ जाती है, लोगों के पैरों में गिर गिर के तुम माफ़ी मांग चुकी हो कि मेरा इतना छोटा सा बच्चा है, मुझे माफ़ कर दिया जाए, मेरे बच्चे के लिए माफ़ कर दो, प्लीज़ कर दो, मेरे बच्चे का क्या होगा अगर मेरे को कुछ हो गया तो। तुमने ये वाले पूरे शब्द लोगों से बोल रखे हैं और वही लोगों को मैं ये बोलूँगी कि क्या आप लोगों ने एक मौका दिया तो क्या फ़ायदा हुआ। आज सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं इसने बोला था ऐसा होगा, इसने बोला था वैसा होगा, उसने बोला था वैसा होगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, कोई केस नहीं हुआ, कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। तो मैं लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जब कोई चीज़ हो रही होती है तब ये लोगों के आगे लेट जाती है, माफ़ियाँ मांगने लगती है, लोगों के पैर पकड़ पकड़ के दया लोगों को आ जाती है इसके ऊपर कि छोड़ो कोई बात नहीं, एक मौका देते हैं, इसका छोटा बच्चा है, उस बच्चे की वजह से लोग इसे मौका देते हैं और ये वहाँ लिखकर बकायदा लिखकर आई हुई है कि मैं ये हरकतें नहीं करूँगी और इसे ये नहीं पता है कि ये क्या कर रही है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहूँगी कि जिन लोगों ने भी ये बातें अपने चैनल्स पर बोली थी या जिसने भी किसी ने ये बातें की थी ना, वो झूठ नहीं था, उन सब ने वो चीज़ें की हैं, लेकिन मेन रीज़न ये है कि ये खुद लोगों के पैरों में लेट जाती है, लोगों के पैरों में पकड़ पकड़ के क्या क्या करने लगती है कि भैया किसी भी तरीके से मेरी जान छूट जाए, अभी छूट जाए, 1 महीना 15 दिन नॉर्मली चीज़ों को करती है, उसके बाद ये एकदम दबंग हो के एकदम गंद मचा देती है, पूरा रायता कटोरे में पड़ा हुआ ना फैला देती है पूरे में फर्श पे, तो वो हरकतें करती है ये। तो इसको जो हरकतें इसकी सुधरेंगी, इसको ये नहीं पता, एक मौका तो चलो पहला मौका तो इंसान दे देता है लेकिन बार बार वो मौके नहीं मिलते हैं, ठीक है, बार बार नहीं मिलते और सेम रिपोर्ट सेम सब कुछ होता है ना तो दिक्कत आती है। तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूँगी कि बच्चे की आड़ में तुम ये सब कहानी मत सुनाओ, ना ही ये सब करो, क्योंकि अब तुम जो भी करो कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी इस बार, ठीक है, क्योंकि तुमने बहुत गंद मचाया है, उस बच्चे का इतना मिसयूज़ कर रही हो ना तुम कि क्या ही बोलूँ। भगवान ने उस बच्चे को इसलिए दिया तुम्हें कि चल तुम्हारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई, चल एक बेटा देते हैं, बेटे के सहारे एक माँ जी लेगी, है ना, लेकिन तुमने उस बच्चे का किया क्या, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। एक बेटा ना, किस्मत वाले लोग होते हैं, जो कई लोग तो इतने परेशान होते हैं कि उनके पास बेटा नहीं होता, उनके 6-6 बच्चे हो जाते हैं लेकिन बेटा नहीं होता है, और उनके घर में फोर्सफुली उनके साथ ये सब चीज़ें चल रही होती कि भैया हमें बेटा चाहिए। तुम्हारे पास खुश नसीब हो कि बेटा मिला है लेकिन उसकी कदर नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी, और बेटा तो छोड़ो एक माँ होने की भी कदर नहीं है तुम्हें कि तुम माँ हो और तुम्हारी एक औलाद है तो तुम्हें उसको किस तरीके रखना है, तो शर्म करो थोड़ी। चलिए इस वीडियो का एंड करते हो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बाय।